गाइस मैंने पिक्सआर ऐप को ओपन करके सिंपली ये वाली बैकग्राउंड को ऐड कर रखा है, आप यहाँ देख सकते हो। एंड ऐसे ही आप अपना बैकग्राउंड को ऐड कर लेना डाउनलोड करके, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको इसमें गाइस सिंपली आपको ऐड फोटो को प्रेस करना है एंड ये वाली PNG मतलब स्मोक वाली PNG को ऐड करके इस तरह से यहाँ पे सेट करना है। तो ये हल्की सी ब्लर है, आप यहाँ देख सकते हो, वैसा ही लेफ्ट साइड के लिए ऐड करके यहाँ सेट करेंगे। और अगर नेट फोटो को प्रेस करके सिंपली आपको एक मॉडल फोटो को ऐड कर लेनी है एंड यहाँ से इस तरह से यहाँ पे सेट करूँगा। तो इसे ज़्यादा बड़ा मत करना, मतलब मॉडल को ज़्यादा बड़ा मत करना। वेल अगर नेट फोटो को प्रेस करके सिंपली आपको शैडोस PNG को ऐड कर लेनी है एंड यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेनी है। और आप इरेज करके अपने मॉडल के हिसाब से सेट कर सकते हो। सो इस तरह से करने के बाद आपको सिंपली लेयर्स पे जाके मूव डाउन कर देना है, जिससे ये बैक साइड चली जाएगी, मतलब मॉडल की बैक साइड चली जाएगी। और अगर नेट फोटो को प्रेस करेंगे एंड एक और PNG ऐड करेंगे स्मोक PNG को, जो कि गाइस ये ब्लर वाली स्मोक नहीं है, तो इसमें सिंपली इरेजर को प्रेस करिए, यहाँ थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, यहाँ थोड़ी सी लाइनिंग दिख रही थी। वैसे एक और स्मोक डाउनलोड कर लेनी है लेफ्ट साइड के लिए, जो ये भी ब्लर नहीं है, और इस तरह से यहाँ पे सेट कर देना है। सेट करने के बाद गाइस सिंपली आपको और एक PNG को ऐड कर लेना है, स्मोक PNG को, और राइट साइड के लिए, ये भी ब्लर नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पे सेट करूँगा इसे। और अगर नेट फोटो को प्रेस करके सिंपली ये पार्टिकल्स वाली PNG को ऐड कर लेनी है एंड ऐड करने के बाद फुल स्क्रीन कर लेना एंड इसे सिंपली आपको ब्लेंड पे आके स्क्रीन कर देना है, जिससे ब्लैक बैकग्राउंड हट जाएगी। और इसमें इरेजर को प्रेस करके अपने फेस पे थोड़ा सा इरेज कर लेनी है, हटा लेनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी फेस पे आ जा रही तो अच्छी नहीं लग रही है। धनगनेट फोटो को प्रेस करके लाइट वाली PNG को ऐड करके इसमें भी ब्लेंड पे आके स्क्रीन पे जाना होगा, क्योंकि इसमें भी ब्लैक बैकग्राउंड है तो ये भी हट जाएगी। और यहाँ पर इस तरह से सेट कर दूंगा, आप यहाँ देख सकते हो एकदम ओरिजिनल और रियल वाली लग रही है लाइट। तो इसमें एक और PNG को ऐड करेंगे, वो मैं भूल गया हूँ उसे पहले ऐड करना, तो मैं बाद में ऐड किया हूँ। तो सिंपली एलिफेंट वाली PNG को ऐड करें, जो कि हल्की सी ब्लर है। तो इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे, जैसे कि लगेगी कि लेफ्ट साइड से बड़ी सी एलिफेंट आ रही है और कैमरा ने ब्लर कर दी है, तो हमारी फोटो और रियलिटी लगेगी। तो इसमें भी सिंपली लेयर पे आके मूव डाउन को प्रेस करना दो बार, अदरवाइज आपको ये करना नहीं पड़ेगा। सो टूल्स पे आके एडजस्ट को प्रेस करेंगे एंड प्रेस करने के बाद ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा एंड इसमें गाइस सिंपली इनवर्ट को प्रेस करके ब्रश के सेटिंग को पहले चेंज कर लेंगे। और चेंज करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लाइट देंगे, पहले मैं अपने हैंड पे दूंगा, तो मैं अपने हैंड एंड फेस एंड क्लोथ पे भी थोड़ा सा लाइटिंग करूंगा, अपने फेस पे चमक दूंगा एंड अपने कपड़ों पे। सो मैं जहाँ जहाँ पैंट करूंगा वहाँ से आपको करना है, तो फटाफट से इसे कर लेता हूँ। ये हो गया लाइटिंग वाली वर्क कंप्लीट एंड इधर लेने के बाद इसमें ड्रॉ वाली ऑप्शन को ओपन करके यहाँ से अपने फोटो कर लेनी है सेव। एंड सेव करने के बाद गाइस सिंपली आपको यहाँ लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेनी है एंड अपने फोटो को ऐड कर लेना। फोटो को ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सिंपली सबसे पहले क्लैरिटी वाले ऑप्शन पे आके थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना क्लैरिटी को। सॉरी मैं DH को इंक्रीज कर दिया था, तो क्लैरिटी को इंक्रीज करना 80 या 90 के आसपास ही से रखना है, मतलब इस एडिटिंग में आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्लैरिटी को इंक्रीज करने के बाद अब मैं सिंपली कलर्स वाली ऑप्शन पे आ जाऊँगा एंड इसमें सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा और टाइम को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना 2 या 3 पे एंड मिक्स टेप को ओपन करके यहाँ थोड़ा सा कलर करेक्शन कर लेना। तो फटाफट से कर लेते हैं, इसे कर देंगे डन एंड सिंपली लाइट वाले ऑप्शन पे आके थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह का करेक्शन कर लेना, जैसे एक्सपोजर को माइनस करके शैडोज को इंक्रीज करेंगे एंड यहाँ आप देख सकते हो बेहतरीन लग रही है हमारी फोटो। तो वाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड ब्लैक्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और हाईलाइट को भी इंक्रीज करेंगे। तो इस हमारी फोटो हो चुकी है रेडी। तो अब मैं और कुछ नहीं करूँगा, सिंपली अपने फोटो कर लूँगा सेव।